हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि और आज मैं अपने होम टाउन के नर्सरी में आई हुई हूँ। तो अभी सारे विंटर के प्लांट अब ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे डहेलिया हुआ, डहेलिया थोड़े दिन चलेंगे, बट अभी देखिए ये सारे गुलदावरी वगैरह हुए और गेंदा वगैरह हुआ जो हाइब्रिड वाले हैं, तो अब ये सारे अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो सारे अब इनके सीजन जा रहे हैं, तो मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट बताऊंगी जो कि आप फरवरी में लगाएं और जो कि आपको ये परमानेंट प्लांट है जो आपको सालों भर फ्लावरिंग देगा और ये सालों साल चलेंगे। तो फरवरी में बहुत ही अच्छा टाइम है इनके कटिंग्स या प्लांट लगाने का, तो नर्सरी से आप ये प्लांट आप लगा सकते हैं लाकर। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये बोगनवेलिया। तो बोगनवेलिया बहुत ही सुंदर और डिफरेंट कलर्स में आते हैं, तो आप बोगनवेलिया नर्सरी से ले जा सकते हैं। ये 80 से 100 के बीच में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर में बोगनवेलिया आपको मिल जाएंगे। तो अभी बहुत ही अच्छा सीजन है ये परमानेंट प्लांट लगाने का, तो इनमें से एक बोगनवेलिया है, इसे आप जरूर लगाएं। बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में आते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है, उसके बाद आप ये गुलहर लगा सकते हैं, हिबिस्कस। तो इसमें भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं गुलहर में भी, और इस टाइम नर्सरी में 80 से 100 के बीच में आए हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आए हुए हैं। तो ये समर का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है हिबिस्कस, और इसमें हाइब्रिड हुआ या देसी हुआ इसे ज़रूर लगाएं। ये विंटर थोड़ी सी विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है, वैसे ये सालों भर बहुत फ्लावरिंग करता है। तो ये हिबिस्कस गुलहर जिसे बोलते हैं, देसी हो या हाइब्रिड हो ज़रूर लगाएं। तो ये समर का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस टाइम इसका लगाने का बहुत ही अच्छा सीजन है और इसके प्लांट भी बहुत ईजी से इस टाइम ग्रो हो जाएंगे, तो नर्सरी में इस बार ज़रूर लाएँ ये हिबिस्कस। और आप ये कॉटन भी लगा सकते हैं अभी इस टाइम, तो ये गर्मियों में फूलों को भी मात देता है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कॉटन। तो नर्सरी से आप कॉटन भी लेके लगा सकते हैं, इस टाइम बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कॉटन आए हुए हैं। इसके लीव देखिए कितना खूबसूरत है, तो ये दो चार प्लांट लग जाए तो ये फूलों को भी मात देते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ये इंडोर प्लांट है, इंडोर आउटडोर जो भी लगा लीजिए, तो कॉटन बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो नर्सरी में इस टाइम कॉटन आए हुए हैं, तो ये आपको 50 से 80 के बीच में आराम से पॉट में लगा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको एड्रेस वगैरह चाहिए तो मैं दे दूंगी, तो ये कॉटन भी आप नर्सरी से लगा सकते हैं। और एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट में रोज भी है, तो रोज भी आप लगा सकते हैं इस टाइम में। बहुत प्यारे सुंदर सुंदर कलर्स वैरायटी में रोज आए हुए हैं और बहुत सारे प्लांट आए हुए हैं। देसी रोज़ तो 20 रुपीज़ के अंदर नर्सरी में मिल जाएगा और हाइब्रिड रोज 100 के बीच में, 100-120 के बीच में बहुत सारे वैरायटी आए हैं रोज की, तो आप रोज भी ला सकते हैं। और ये देसी रोज ये पिंक कलर वाइट कलर के रोज सालों भर फ्लावरिंग करते हैं, विंटर हो या गर्मी हो, और ये देसी रोज की तो खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो देसी रोज या हाइब्रिड रोज हो आप इस टाइम में लगा सकते हैं, इसके कटिंग भी लगा सकते हैं। तो अभी इस टाइम रोज लगाने का बहुत ही बेस्ट सीजन है और रोज बहुत लोगों से नहीं लगता है, तो इस टाइम आप लगाएं तो इजी से रोज ग्रो हो जाएगा। तो नर्सरी से इस टाइम आप रोज भी लेके आ सकते हैं 100 से 120 के बीच में और 80 रुपीज में भी मिल जाएंगे। तो ये अमन नर्सरी हुआ या कमलेश नर्सरी वगैरह हुआ, तो बहुत खूबसूरत प्लांट आए हुए हैं, आप ले जा सकते हैं। एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो आप इस टाइम में रोज भी आप लगा सकते हैं नर्सरी से लेके। उसके बाद ये मॉस रोज है, तो मॉस रोज भी आप अभी छोटे छोटे कटिंग लगा सकते हैं। मॉस रोज हुआ या पर्सुलिन हुआ,
तो अभी आप अगर इसके प्लांट सेव करके रखे हैं तो आप इसको अलग अलग गमला में करके लगा सकते हैं। देखिए अब इसमें छोटे छोटे लीव्स निकल रहे हैं, तो ये मार्च अप्रैल आते आते बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगी मॉस रोज में। तो बहुत ही खूबसूरत, आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या पॉट में लगाएं। तो अभी लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम है और बहुत ही ये हार्डी प्लांट है और ये पूरे बास्केट को, गमले को भर देता है। तो बहुत ही खूबसूरत कलर में आते हैं, ये रेड हुआ, येलो, ऑरेंज, वाइट, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। तो आप इस मॉस रोज को भी इस टाइम में कटिंग से या नर्सरी से लेके लगा सकते हैं। और ये एडेनियम है जिसे डेजर्ट रोज भी बोलते हैं। तो अब विंटर के बाद अब इसका अब सीजन शुरू हो गया, थोड़ा विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत है एडेनियम। तो एडेनियम भी आप इस नर्सरी में नर्सरी से ला सकते हैं। इस टाइम फरवरी में लगाने का बहुत ही अच्छा सीजन है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में एडेनियम आए हुए हैं। तो एडेनियम भी आप नर्सरी से 100-150 के बीच में अच्छे प्लांट मिल जाएंगे। तो आप एडेनियम भी नर्सरी से ला सकते हैं। और इस टाइप आप नर्सरी से ये जैस्मिन भी ला सकते हैं। नर्सरी में बहुत ही हेल्दी और खूबसूरत प्लांट आए हुए हैं। तो जैस्मिन भी आपको 80-50 के बीच में आराम से मिल जाएगा। और ये समर का बहुत ही खुशबू देने वाला खूबसूरत प्लांट है जिसे कुंदा भी बोलते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी होती है। तो आप इसे भी आप नर्सरी से ला सकते हैं और इसे आप काट के ये भूसी भी बना सकते हैं और ये ऐसे वाइन भी आप अपने गेट वगैरह पर लगा सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये जैस्मिन। तो ये समर का परमानेंट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इस टाइम आप ये जैस्मिन भी नर्सरी से ला सकते हैं। बहुत ही खुशबू देने वाला खूबसूरत प्लांट है जैस्मिन। तो होप आपको ये मेरा परमानेंट प्लांट पर अच्छा लगा होगा। तो फरवरी में ये सारे प्लांट आप ज़रूर लगाएं। बहुत ही खूबसूरत ये परमानेंट प्लांट है। तो थैंक यू सो मच।